Assalamu alaikum, welcome back to Urdu and Hindi.com. My name is Kunanda Ki and my topic is essential training in objective C. सबसे पहले memory management का concept तो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको variables का concept दे रहे हैं. Scope होता है variables का, local variable और global variable. Local variables क्या है, within function जो है वो होते हैं, उसके बाद define होते हैं, उसके बाद वो use नहीं होते. जैसे ही वो function run होता है वो काम करा के ख़त्म हो जाता है. जैसे my class का object foo ही है, foo जो है function के अंदर ही कॉल हो रहा है, तो इसने मेमोरी में अपना हिस्सा ले लिया, यानी ब्लॉक ऑफ मेमोरी इसने कंटेन कर ली. जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा, ये फू का ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, यानी इसका फंक्शन, और जो इसकी ने मेमोरी कंटेन की होगी मेमोरी ब्लॉक मेमोरी में बिहाइंड ये सीपीयू में, तो वो ख़त्म हो जाएगी. अगर हम थ्री आर देखें, यानी ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें, क्योंकि वो बाद में भी यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए वो रिलीज़ का कीवर्ड यूज़ है. जब वो यूज़ हो रहा होता है वो रिलीज़ हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनकी मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है और जिसको वो डील कर रहे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं. ये फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली वो करता है आपका कंपाइलर. अब वो डैंगलिंग पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर आपने कर दिया, कोई मेथड बाद में यूज़ होना था, मेमोरी टास्क परफॉर्म कर, ये आपका आ जाता है ग्लोबल का. अब जो है कंपाइलर आर का काम कंपाइलर करता है, वो खुद ही रिलीज़ करता है जब यूज़ ना हो रहा होता. अगर तो हम खुद करना चाहें तो बाद वो वर्क कर लेता है, लेकिन बाद वो हमें अलाउ नहीं करता. ये सब उसका कोड है जो बिहाइंड द कोड वो रिलीज का कीवर्ड यूज़ करता है. लाइक अगर मैं यूज़ करूँ रिलीज का वर्क, तो वो कह रहा है रिलीज आर अवेलेबल नॉट अवेलेबल इन ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग मोड और फोर बिट्स एक्सप्लिसिट मेथड. क्योंकि ये जो है हमारा कंपाइलर का होगा, सबको समझ आ गई होगी. अब मैं आपके साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करूँगी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है साथ मेमोरी में, उसके लिए जो है मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो जाता है और कब उसको वैल्यू आना थी, ये सब कुछ. सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन भी कहा जा सकता है, कि हम इसको निकालते हैं. मैंने अंडर स्टेट का एक ऑब्जेक्ट ले लिया माय डेट. अब माय डेट फिलहाल एम्प्टी है, क्योंकि मैंने अभी इसको कोई वैल्यू साइन नहीं की, इसलिए वो कोई अभी मेमरी में एलोकेट नहीं करेगा. जैसे ही मैंने कहा माय डेट इज इक्वल्स टू अंडर स्टेट न्यू का ऑब्जेक्ट, तो साथ ही उसको एलोकेट भी कर देगा और इनिशियलाइज भी कर देगा. वैल्यू डाल दी तो इनिशियलाइज और ब्लॉक रिजर्व कर लिया तो वो एलोकेशन. ये आपको ज़रा फर्क पता चल गया कि एलोकेट और न्यू का कैसे हम यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर मैं एक और इसका यूज़ कर लूँ एन एस डेट एलोकेट, वो सिर्फ एलोकेट करेगा, और अगर मैं इनिट यूज़ कर लूँ यानी इनिशियलाइज करा दूँ, तो वो उसका डेट भी इनिशियलाइज करेगा. और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर हम यूज़ करें, तो एलोकेशन और इनिट कीवर्ड यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एक क्लास एलोकेशन इनिट और इसके मल्टीपल वर्जन्स भी हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किए. कोड में अगर देखें तो कोड में भी सेम, अगर यही मेथड यूज़ करें तो ये एज इट इज़ कोड जैसे इंडेक्स लिखा जाएगा, जो मैंने आपको भी दिखाया है, जो है आप इसको इम्प्लीमेंट करें जैसे आपको, यानी जैसे जैसे आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी, तो आपको समझ आएगी कि मेमोरी में कैसे कैसे ब्लॉक यूज होता है. बस जेल में ये रखें, जैसे एलोकेट किया है तो उसने मेमोरी की जो है रिजर्व कर ली, और जैसे मैंने उसको इनिशियलाइज कर दी तो उसने उस वैल्यू उस ब्लॉक को रिटेन करने लग जानी उसकी वैल्यू. अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ इनिट और बाकी वो सिंटैक्स इनिट एलोकेशन की, तो आप वो देखेंगे सेम है. डेट को प्रिंट डिफरेंट तरीक़ों से कराऊँ तो मैं डिफरेंट तरीके यूज़ करते हुए इसको प्रिंट कराऊँगी, जैसे मैंने आपको कौन इनिट का बताया. सिंपल जो है मेरे पास सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, मुझे रेगुलर एलोकेट इनिट का यूज़ किया है, डेट एलोकेट और इनिट, तो मुझे क्या दिखाएगा. इसी तरह मैंने एक और मेथड ले लिया जो कि सेम, यानी जो है स्पेशलाइज इनिट यूज़ करा है, जिसमें मैंने दे दी है इंटरवल 1970 यानी 1970 से इंटरवल मुझे दिखाएगा. दूसरे मैंने इसी तरह अनदर स्टेट का एक और ले लिया जो अनदर डेट बताएगा मुझे, यानी नेक्स्ट डेट अनदर डेट, और उसके बाद मेरे पास वो डेट आते रहे शॉर्ट फॉर्म है. उसके बाद जो है मेरे पास चौथा, अगर मैं उसको देखूँ तो सेम एजेटिज आएगा, लेकिन मुझे 1970 के वाले के साथ आएगा. लेकिन फ़र्क आप देख सकते हैं इन दोनों में कि मैंने कैसे इसको यूज़ किया, विद इंटरवल इनिट विद इंटरवल और इनिट के बगैर जो है डेट विद इंटरवल टाइम इंटरवल को दे यूज़ किया, यानी इनिट के बगैर कैसे वो शो होंगे और उसके बाद उनको अगर मैंने प्रिंट करना वो कैसे शो होंगे. रन किया मैंने, रन करने के बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि क्या चीज़ है. तो आप ये देखेंगे जो पहला वाला है वो मेरा उसके मुताबिक यदि एलोक और इनिट का वो ये फॉर्मेट दिखा रहा है, जैसे दूसरा दिखाया है अनदर डेट वाला तो वो डेट मुझे करंट डेट ही नहीं हुआ दिखा रहा है. उसके बाद जो मेरी तीसरी है इन डेट के साथ, यानी वो 1970 वो है और इन डेट के बगैर ये मेरे पास थे जो है चार डेट्स को. इसी तरह मैं डिफरेंट फंक्शंस को भी यूज़ करता हूँ, यानी डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करता हूँ. कोई मैसेज प्रिंट करा सकती हूँ,
कोई स्पेशलाइज फॉर्मेट में रीड करा सकती हूँ, ये देखें जैसे एन स्ट्रिंग का मैसेज ले लिया। डिफरेंट चीज़ें मैं यूज़ करते हुए इस पर काम कर सकती हूँ। आई होप सबको भी समझ आ गया होगा कैसे मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है काम कर सकते हैं, कि मैंने नेक्स्ट मैसेज स्कोर स्पेशलाइज फॉर्म में दिखाया और उसको प्रिंट कराया। इसी तरह जैसे मैं बाकियों को रन करूँगी वो मेरी और जो है उसी तरह फॉर्म में आते रहेंगे जैसे मैं इनको यूज़ करती आ रही हूँ। अब इन्हें एलोक और उसके जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बेहतर है, मेमोरी एलोकेशन भी उसी मुताबिक होते हैं। ये मैंने इन्हें को यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, एक ही स्टेटमेंट्स को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से करके दिखाया है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी आप अगर उस पर ग्रिप करना चाहते हैं तो आप जितनी हो सके इन पर प्रैक्टिस करें और उनको यूज़ करें। अभी मेरे पास ये अनदर मैसेज और ये सारा कुछ मेरे पास है। आई होप सो को समझ आ गया।